हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि सिंगल ग्रुप दे कि बोथ ग्रुप दे। ये वाला कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा होता है और हमेशा होता है। इंटर लेवल पे भी होता है, फाइनल लेवल पे भी होता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू इसको सॉल्व करने का भी कोशिश करते हैं कि एक्चुअली सिंगल देना है या बोथ देना है। अगर बोथ देना है तो कैसे प्लान करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप हमेशा कन्फ्यूजिंग वाली चीज होती है। मुझे भी थी, आपको भी है, आपके आने वाले जनरेशन को भी होगी, सभी को ही होगी। जो भी एग्जाम देने जाएगा ये कंफ्यूजन उसको जरूर आएगी एक बार के लिए। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स बता दो जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। तो स्कोर, स्कोर मतलब आपके मार्क्स। अगर आपके मार्क्स आपने प्रीवियसली अगर एग्जाम दिया है और आपके मार्क्स समवेयर बिटवीन 150 एंड 170 है, देन यू शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप। यस, कड़वी है बात पर सच है कि 150 से 170 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली सबके आ जाते हैं। अगर कोई भी थोड़ा सा भी मेहनत करेगा ना तो उसके भी आ जाएंगे। द रियल टास्क आपका बिगेन होता है जब आपको 170 से 200 जाना होता है। ये बहुत ज्यादा टफ टास्क हो जाता है। इनफैक्ट आई कैन से कि 200 से 250 जाना इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है जितना आपका 170 या 150 से 200 जाना होता है। इसमें ज्यादा एफर्ट लगता है, काफी ज्यादा एफर्ट लगता है। एंड तो इस पैरामीटर के बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सिंगल जाना है कि आपको बोथ देना है। क्लासेस, क्लासेस का क्या स्टेटस है आपका, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। क्योंकि आपको कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, एक बात हमेशा याद रखना, एटलीस्ट टू रिविजन इतना तो मिनिमम आपको करना ही होगा। अगर आप टू बार दो बार रिवाइज नहीं करोगे तो आप एग्जाम कैसे लिख पाओगे, आप कैसे सोचते हो कि आप लिख पाओगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पहले पूरा क्लास खत्म हो जाएगा फिर बैठूंगा फिर रिवाइज करूंगा। कम ऑन यार, मेंटल रिविजन करो, बड़े हो गए आप लोग, मेंटली रिवाइज करो। क्लासेस के दौरान रिवाइज करो, घर पे रिवाइज करो, खाते वक्त रिवाइज करो, जितना भी टाइम बचा हो तुमको रिविजन में दो ना। तुम गाना क्यों सुनते हो, तुम मूवीज क्यों देखते हो। हाँ दो, देखना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, बिल्कुल सही है, मैं भी देखता था। माइंड फ्रेश करना चाहिए बट एक सर्टेन पॉइंट तक। जब भी फ्री बैठो मेंटल रिविजन करो। मेंटल रिविजन से बेटर कुछ नहीं होता है। मेंटल रिवीजन के ऊपर एक वीडियो जरूर आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दो पैरामीटर्स हो गए, एक हो गया आपका मार्क्स, एक हो गया आपका क्लासेस। तो इसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना जो कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो कि है जितने भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, इस केस में हो गया टाइम जो कि अप्रोक्सीमेटली 90 डेज है, प्लस रिसोर्स रिक्वायर्ड। इसको कभी भूलना मत, इसको माइंड में सेट रखना कि इस तरह के हिसाब से आपको प्लानिंग करना है कि जितना रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है और जितना रिसोर्स आपको रिक्वायर्ड है दोनों बराबर होने चाहिए। इनफैक्ट 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 जो रिसोर्स अवेलेबल इसको तो अपने इंक्रीज नहीं कर सकते, बट रिसोर्स रिक्वायर्ड इसको डिक्रीज करने के पास अपने पास ऑप्शन है। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ बेसिस टू डिसाइड वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर ग्रुप वन, ग्रुप टू और बोथ द ग्रुप्स, और अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। अब कुछ मेरे दोस्त हैं जो बोलेंगे कि मुझे ग्रुप टू ही देना है, मुझे सॉरी मुझे बोथ ग्रुप देना है। तो चलिए बताता हूँ बोथ ग्रुप के लिए आप कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हो जो कि प्रैक्टिकल है और जिसकी वजह से आप मतलब अच्छे चीजों को अचीव कर पाओगे। तो क्या है वो ट्रिक, चलिए बताता हूँ। प्रिपेयर करिए सिर्फ एक ग्रुप है। अभी तो आप बोले बोथ ग्रुप, बता रहा हूँ ना, हूं ना यहाँ पे बैठा हूं ना। एक कट ऑफ डेट रखो, कट ऑफ डेट। हाँ कट ऑफ डेट मतलब क्या हो गया, कट ऑफ डेट मतलब अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, अपने हिसाब से एक डेट डिसाइड करो कि इस दिन तक हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप पढ़ना है। वो डेट कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्री भी ले सकते हो अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, बट एक डेट डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ये, जरूरी नहीं है यही वाला डेट ले लेना, 25th मार्च। 25th मार्च एक डेट आपने डिसाइड की, तब तक आपने सिर्फ ग्रुप वन पढ़ा एग्जाम्पल। फिर आप रिव्यू करो अपना स्टेटस, स्टेटस व्हाट्सएप, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो जाना चाहिए, इंस्टाग्राम वगैरह सब अनइंस्टॉल हो जाना चाहिए, समझे, अगर एग्जाम में अच्छा मतलब अपने आपको प्रेजेंट करना चाहते हो तो। रिव्यू करो अपना स्टेटस यानी अपने पढ़ाई का स्टेटस। कैसे रिव्यू करोगे, टेस्ट ले लो एक बैठ के, मॉक लेने की कोई नीड नहीं है, अगर लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो कोई जरूरत नहीं है। पास पेपर उठाओ और बैठ के 2 से 5 एग्जाम कंडीशन में सॉल्व करो। इसकी वजह से क्या होगा, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मतलब सेटिस्फैक्टरीली आप परफॉर्म कर पाए कि नहीं ग्रुप वन के लिए। ये चीज आपको इजीली पता चल जाएगी अगर आप ग्रुप वन मतलब फर्स्ट में आपने ग्रुप वन सेलेक्ट किया। आप ग्रुप वन पढ़ो 25 तारीख तक, उसके बाद आप रिव्यू करो अपना स्टेटस,
कैसे रिव्यू करोगे, एक टेस्ट ले लो, कैसे टेस्ट लोगे, 5 पेपर उठाओ, 2 से 5 बैठ जाओ और फिर देखो सेटिस्फैक्टरी आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट 70% 80% भैया इतना ही प्रिपेयर करना। अब तुम ये मत सोचना कि 25 मार्क्स तो तुम 100% प्रिपेयर कर लोगे और तुम एग्जाम दे दोगे बैठ के, उसी टाइम उसी दिन तुम्हारा एग्जाम हो गया, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 70-80% अपने हिसाब से एक सेलेक्ट करना, ठीक है, फिर तुम रिव्यू करना टेस्ट करके अपने आप को, और अगर तुमको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री, हाँ ये 70-80% जो मैंने पढ़ा ना ये परफेक्ट है, मतलब आई कैन प्रोसीड विद अनदर ग्रुप, जैसे अपने एग्जाम्पल में अपने ग्रुप 1 सेलेक्ट किए थे यहाँ पे, तो अब अपने उठाएंगे ग्रुप 2 और फिर अपने ग्रुप 2 के साथ प्रोसीड करेंगे, कैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 को मर्ज करके, ग्रुप 1 की टाइम कम कर देंगे, ग्रुप 1 का टाइम बढ़ा देंगे, चूंकि ग्रुप 1 ऑलरेडी 70% प्रिपेयर्ड है। सिंपल फंडा है, एकदम ईजी है। ये ट्रिक अगर आप यूज करोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, चौकी चौकी द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल्सो योर ग्रुप 1 या एनी ग्रुप विच यू हैव सेलेक्टेड वो प्रिपेयर्ड होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना। एक ग्रुप भी अगर निकल गया तो काफी आराम से रहोगे घर में, प्रेशर कम हो जाएगा बहुत घर से भी, और तुम जो अपने आप को प्रेशर देते हो वो भी कम हो जाएगा। अपने आप को यार पहली बात प्रेशर मत दिया करो, प्रेशर देने से काम नहीं होता है, सटीक से स्ट्रेटेजिकली प्लान करके ही काम तुम ठीक से कर पाओगे। एग्जीक्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसी में प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा। रिमेंबर वन थिंग, क्या एक चीज का हमेशा यह ध्यान रखना, टाइम लिमिटेड है, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग बट यू कैन ऑलवेज डू समथिंग। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, टाइम कम है अपने पास, 90 डेज, सब कुछ तो करना पॉसिबल नहीं है, फ्रेंकली बोल रहा हूं। अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो तब बात अलग है, तब तो शायद आपको ये वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है, यू आर मोटिवेटेड एंड मोटिव ड्रिवेन और, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखो टाइम लिमिटेड है, आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज डू समथिंग, कुछ तो कर ही सकते हो ना, तो भाई कुछ तो कर ले, छोड़ मत। और एक बात मेरी याद रख, अगर अभी भी डिसाइड कर नहीं पा रहे हो ना बोथ दू सिंगल दू, तो भाई पढ़ने बैठ जा, एक हफ्ता से टाइम वेस्ट करके बैठा हुआ है ना, तू डिसाइड कर रहा है क्या देना है क्या नहीं देना है, इस चक्कर में तू कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, तो थोड़ा पढ़ ले, भले ही ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो मन में आए जो हो रहा उठा के पढ़ना, यार टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, अगर डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो फिर टाइम वेस्ट मत करो। और एक बात प्यार से भी समझा देता हूँ कि देखो ग्रुप 1 भी देना है ग्रुप 2 भी देना है, आज नहीं तो कल देना ही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कोई भी एक डिसाइड करो और पढ़ के दो ना, हर बार सिचुएशन सेम ही होने वाली है, लास्ट टाइम भी यही सिचुएशन थी, अभी भी यही सिचुएशन है और आगे भी यही सिचुएशन होगी, तो कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट करो अगर 1 और 2 में कंफ्यूजन है तो, और बस लग जाओ, ठीक है। और अगर लगता है कि ये वीडियो कुछ भी वैल्यू ऐड की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। और एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अपना IDT का फास्ट ट्रैक बैच आने वाला है, ठीक है, अपना IDT का फास्ट ट्रैक बैच आने वाला है, मेरा रहेगा, बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा, उसमें आपके क्या क्या इंक्लूडेड रहेंगे, उसमें आपका मॉक भी रहेगा, ट्रैकर भी रहेगा और एक बहुत खूबसूरत सी बुक रहेगी, कॉन्सेप्ट बुक, जिसका मैं यहाँ पे अनवील करूंगा यूट्यूब पे, तो वहां पे आप देखना, उसमें सब कुछ कवर है, एज पर 100% एज पर इंस्टीट्यूट मटेरियल है, कुछ भी दाएं बाएं नहीं है, उसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश किया हूँ कॉम्पैक्ट करके, जितना छोटा हो सके जितना कंसाइज हो सके उतना, तो फिर उसके लिए भी रेडी रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम वाले @chartered aspirant, क्योंकि यहीं पे सारे अपडेट्स आते हैं। थैंक यू वेरी मच, अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो, टेलीग्राम में भी बोल दो, जहां मन वहां बोल दो, थैंक यू वेरी मच।